Assalamu alaikum friends, welcome to Entertainment Punch and GINO and welcome you all to another vlog. जी हाँ जी, आज का vlog जो है वो देसी नाश्ते के ऊपर है और ज़बरदस्त किस्म का देसी नाश्ता. सबसे पहले बनने जा रहे हैं बाजार जैसे चने और ये कम्प्लीटली तमाम कम्प्लीट रेसिपी जो है वो बाजार जैसी है. अच्छा जी, चने उबलने मैंने रख दिए हुए, अब उसके अंदर मैंने मसाले ऐड करने हैं, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और फिर इसके बाद आएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, इसके अंदर आएगा ज़ीरा पाउडर, इसके अंदर आएगा साबुत गरम मसाला, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी आएगी, सॉल्ट आएगा, और ये जो स्पाइसेस हैं ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं. इसमें बड़ी इलायची डलेगी, इसके अंदर जो है वो साबुत काली मिर्च डलेगी और इसके अंदर साबुत धनिया डलेगा. आपने ये स्पाइसेस दो तरीके से ये चने डलते बनते हैं. एक तो जब आपने चने बॉईल करने हैं उसी टाइम ये सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं वो आप इसके अंदर डाल दें, एक तरीका ये है. और दूसरा तरीका ये है कि चने आप बॉईल कर लें और उसके बाद आप ये स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर डालें. अब मैंने क्योंकि चने पहले बॉईल करके रखे हुए थे इसलिए मैं स्पाइसेस बाद में डाल रही हूँ, लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप इसको जो स्पाइसेस हैं वो जब चने बॉईल करने रखें तो उसके अंदर साथ ही ये स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर डाल दें. और इसके अंदर आपने एक डिश का चम्मच भर के जो है वो वनस्पति या देसी घी जो भी आपके पास घर के अंदर अवेलेबल है वो आपने इसके अंदर डालना है. और जी आपके जो बाजार जैसे चने, इसके अलावा आपने इसमें कोई लहसुन, कोई अदरक, कोई टमाटर, कोई प्याज, कुछ भी नहीं डालना. तो ये आपके बिल्कुल बाजार जैसे जो है ना वो जो आप बाजार में आपके पास जो चने मिलते हैं उसके जैसे पूड़ियों जैसे जो चने हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे. बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसके अंदर कोई भी आउट ऑफ द वे जाकर आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है. जब इसके अंदर ये वन डिश का चम्मच आप ये कहें कि भर के मैंने इसके अंदर जो है वो देसी घी जो है वो इसके अंदर जो है वो आपने डाला है, और आपने जो इसका पानी है वो आपने इतना ड्राई करना है कि जितनी आपको ज़रूरत है. कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सालन वाले चने चाहिए तो बेशक आप इसको एक दो बॉयल आ जाएँ तो आप इसे बंद कर दें. अगर आपको थोड़ा ड्राई वाले चने चाहिए तो आप ड्राई वाले चने भी कर सकते हैं. तो दोनों तरीकों से आपकी रेसिपी जो होगी वो डन हो जाएगी. और दूसरी तरफ जो है जब ये चने रेडी हो रहे थे तो दूसरी तरफ मैंने जो है वो आलू बॉईल करने रखे हुए थे, आलू मेरे बॉईल हो गए थे. अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भुजिया की रेसिपी, ठीक है. भुजिया की रेसिपी सिंपल सी है, इसके अंदर चार जो है वो नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं, इसके अंदर एक कप जो है वो पानी का डाला है. अब इसके अंदर हम लोग जो है वो स्पाइसेस डालेंगे. स्पाइसेस वही सेम है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और इसके अंदर मेथी दाने, कलवंजी, ये इसके अंदर डालकर आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से पका लेना है. और इसकी भी कंसिस्टेंसी अपनी ज़रूरत, क्योंकि आलू गले हुए हैं, आपने इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखनी है. आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा शोरबा या बहुत ज़्यादा सालन चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं, और अगर आपको ड्राई ड्राई सी भुजिया चाहिए तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं. भुजिया के अंदर अक्सर लोग को अचार का टेस्ट पसंद नहीं होता, लेकिन ये जो भुजिया बनती है इसके अंदर जो मसाला है अचार इट्सेल्फ नहीं डलता, लेकिन इसके अंदर जो मेथी डलती है, इसके अंदर जो कलौंजी डलती है, वो आपके पास जो है वो अचार के मसाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो अचार वाली जो टेस्ट है वो इसके अंदर जो है वो आ जाता है. अब इसका पानी जो है, एक कप हमने इसके अंदर पानी डाला था, आलू पहले ही ड्राई हुए हैं तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसको ड्राई करके और आप इसका इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं. आपने कितना इसके अंदर जो है वो सालन जो है वो आपने रखना है. अच्छा जी, चने की रेसिपी भी आपके पास आ गई सिंपल सी, और उसके बाद अब आपके पास जो है वो आलू की भुजिया की रेसिपी जो है वो भी आपके पास आ गई है. अब हम लोग जा रहे हैं नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेसिपी, जो कि है आपके पास पूड़ियाँ बनाने की. अच्छा, पूड़ी बनाने का जो प्रोसेस है वो मैंने एंड में डाला है क्योंकि मैंने आपको सर्विंग दिखानी थी, लेकिन आपने इन दोनों कामों को करने से पहले सबसे पहले आपने जो है वो पूड़ियों का आटा तैयार करना है. इसका तरीक़ाकार होना चाहिए, एक तरफ आपने चने बॉयल करने रखने, एक तरफ आपने आलू बॉयल करने रखने, और तीसरी तरफ आपने जो है वो आटा तैयार कर लेना और उसके बाद बाकी का प्रोसेस करना है. अब इस आटे के अंदर हमने थोड़ा सा पानी लिया है, एक टेबलस्पून हमने इसके अंदर दही ली है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक लेना है. इसको अच्छी तरह यूँ आपने हाथ से इस पानी के अंदर नमक को मिक्स करने के बाद, अच्छा ये दही डालनी ज़रूरी है, ये आपने ये नहीं करना कि ये हम दही जो है वो ना डालें. अगर आप बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट डालते हैं तो ये एक चम्मच आपको डालनी पड़ेगी. इसके अंदर एक टेबलस्पून हमने दही का डाला है, तकरीबन तीन चार टेबलस्पून पानी है, और थोड़ा सा नमक, और उसके अंदर जो है वो हमने दो कप के करीब जो है वो मैदा लिया है.
अगर आप पूड़ी और आटे और मैदे की मिक्स पूड़ी बनाना चाहते हैं तो आप एक कप आटा कर लें, एक कप मैदा कर लें, नहीं तो दो कप मैदा जो है वो खाली मैदे की बनानी है तो कर लीजिए खाली दो कप मैदे के साथ। और उसके बाद आपने इसे गूंदना है। पूड़ी का जो आटा है वो ना आपने बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसे नरम गूंदना है, ठीक है। ये मिक्स आपने इसके अंदर जो है वो आपने इसे गूंदना है और उसके बाद इसे कम अज़ कम भी नहीं 2-2.5 घंटे आपने इसे ठहरने के लिए रखना है। 2-2.5 घंटे ठहरना इस सेंस के अंदर आपने आटा गूंद लिया, आटा गूंदने के बाद आपने इसे आटे को रख दिया, उसके बाद आपने अपनी भुजिया और चने तैयार करने लगे। जब आप उसको फाइनल उसके ऊपर आने लग जाएं कि हाँ बस अब भुजिया और चने जो है वो तैयारी के मराहल के अंदर है, तो आप इसके पेड़े बनाकर गीला रुमाल इसके ऊपर रखकर तो आप इसको साइड के ऊपर रखते हैं। और जब आपने इसको पेड़े बनाने हैं तो आपने पेड़ों के ऊपर ऑयल लाजमी लगाना है, उसे होगा क्या आपकी पूड़ी जो है वो सॉफ्ट बनेगी और उसके बाद आपकी पूड़ी जो है वो फूलेगी, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है वो आटा अच्छे तरीके से गूंद के उसके ऊपर आपने जो है वो इसे पहले तो ठहरने के लिए रख देना है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर ऑयल भी डाला है और इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है दोनों हाथों से और फिर उसके बाद आपने जो है वो इसे ठहरने के लिए रख देना है और देन इसके बाद हम इसके पेड़े बनाकर जो है वो हम रख देंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपने इसे बेलना है तो जिस जगह के ऊपर आप इसको बेल रहे हैं, चाहे वो आपकी स्लैब है, कोई आपने मैट रखा हुआ है, कोई आपने शीट रखी हुई है या आपने कोई वो रखा हुआ है चकला बेलना रखा हुआ है, आपने उसके ऊपर ऑयल लगाना है, ठीक है। पूड़ी जो होती है वो जनरली हाथ से ही बेली जाती है, इसमें बेलन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूड़ी पूरी फूले तो आपने इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना, बिल्कुल आपने इसे पतला नहीं करना है। और उसके बाद आपने इसे गरम तेल में डालना है। धुआं देख रहे हैं आप इस टाइम तेल का, इससे भी ज़्यादा गरम तेल करना। जितना अच्छा आपका ऑयल गरम होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी, उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही फूली हुई आपकी जो पूड़ी जो है वो बनेगी। अब आप ये देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है, तेल का कमाल है, ठीक है जी। और इस तरह आपके पास गरम, क्योंकि आप अगर हलवाई की दुकान के ऊपर कभी पूड़ियाँ लेने जाएँ तो आप ये देखें कि उसके ऊपर भी कितना ज़्यादा जो है वो ऑयल का टेम्परेचर होता है। अगर आपका ऑयल जो है वो ठंडा होगा, अगर आपका ऑयल जो है वो ठंडा होगा तो पूड़ी जो है वो अकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी और वो चुबाने के काबिल नहीं रहेगी, ठीक है जी। आपकी पूड़ी तैयार है और आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है वो देसी नाश्ता हलवा पूड़ी और चने जो है वो तैयार है। हलवे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हों तो उसके अंदर जो है वो शबे बारात की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, ठीक है जी। ये फाइनल शेप है जी चनों की और मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हलवा मैंने उसी रेसिपी से बनाया था और जो है वो नेक्स्ट शेप जो थी वो चनों की है। चनों के जैसा मैंने कहा था कि आप चाहें तो आप इसके अंदर आप चाहें तो इसको ड्राई बिल्कुल मत कीजिए, आप चाहें तो इसको शोरबे वाले रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ड्राई कर लिया था क्योंकि मुझे ड्राई चने चाहिए थे। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो सालन और शोरबा सा जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है जी। और साथ जो है वो मैंने हलवा बनाया था, थोड़ा सा हलवा बनाया था, सिर्फ जस्ट एक वो कहना चाहिए एक रवायत पूरी करने के लिए कि हलवा पूरी चने जो थे वो एक प्लेटर जो था वो कंप्लीट था। लीजिए जी आपकी देसी नाश्ते की जो थाली है वो आपकी तैयार है और आप बिल्कुल बाज़ार के तरीके से ये बनी हुई, आप देखें इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लवाजमात और कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की हुई। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।